मिलिए बिजनौर के एक छोटे से गांव के रहने वाली मेघना सिंह से, जिन्होंने हर कठिनाइयों से लड़कर अपनी जगह भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बनाई है। मेघना सिंह महिला क्रिकेट टीम में बतौर मीडियम पेस बॉलर के रूप में खेलेंगी। मेघना के लिए यहां तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली मेघना के पिता एक शुगर मिल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उनकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती हैं। मेघना किसी कोचिंग या ट्रेनिंग सेंटर में नहीं, बल्कि अपने गांव में मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते खेलते आज इस मुकाम पर पहुंची हैं। 10 साल की उम्र से ही उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। गांव में महिलाओं की कोई क्रिकेट टीम ना होने के कारण उन्होंने काफी समय तक लड़कों के साथ ही क्रिकेट खेलते हुए अपने खेल के हुनर को निखारा और इसी के बदौलत उनका पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर सर्कल लेवल पर और फिर स्टेट लेवल पर सिलेक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन होने से पहले मेघना का 7 साल पहले रेलवे मुरादाबाद में बुकिंग क्लर्क के रूप में चयन हो चुका था। चयनित होने के बाद से वह मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम में रहकर ही गेम की प्रैक्टिस किया करती थी। मेघना सिंह इससे पहले हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 2 T20 खेल चुकी हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बॉलिंग से बेहतरीन प्रदर्शन किया था। एक बेहतरीन बॉलर होने के साथ साथ वो बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। मेघना सिंह 2008 में UPCA अंडर 19 कैंप में भी भाग ले चुकी हैं और वो टीम इंडिया के कैंप में भी शामिल हो चुकी हैं और अब वही इंडिया टीम की फीमेल ए टीम T20 की मेंबर हैं। अब उनका भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भी सिलेक्शन हो चुका है और भारतीय टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैच, 1 डे नाइट टेस्ट और 3 T20 मुकाबले खेलेंगी।